Hey students, in this question we have been asked the correct statement among the following given statements. Let us go through the statements one by one. The first statement is insulin is associated with hyperglycemia. See, जो इंसुलिन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियाज, ठीक है? पेनक्रियाज इज अ मेक्सोफाइन ग्लैंड, और पेनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं. एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, जहाँ से डाइजेस्टिव सिक्रीशन रिलीज होता है, और एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है? तो जो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है, वहाँ पे दो सेल्स होती हैं मेनली. एक होती है अल्फा सेल्स और दूसरी होती हैं बीटा सेल्स, ठीक है? दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा और बीटा. अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन. जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन इज अ हाइपर ग्लाइसिमिक हॉर्मोन. ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन इज अ हाइपर ग्लाइसिमिक हॉर्मोन, ठीक है? हाइपर ग्लाइसिमिक का बेसिक मतलब ये होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है? इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? और जो इंसुलिन होता है, क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है. इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, विच बेसिकली मींस दैट इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल को कैसे डिक्रीज करता है? इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, एंड देयर बाय डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल इन द सॉरी द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? तो जो ग्लूकागॉन होता है वो मेनली एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पे, ठीक है? जो ग्लूकागॉन होता है वो मेनली हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स मतलब होता है लिवर सेल्स, ठीक है? जो हेपेटोसाइट्स होती हैं वो होती है लिवर सेल्स. तो ग्लूकागॉन मेनली लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है. वहीं पे जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन ऑन बोथ बोथ हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है? हेपेटोसाइट्स एज वेल एज इट ऑल्सो एक्ट ऑन एडिपोसाइट, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन नहीं होता, ठीक है? डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, एंड देयरफॉर इट इज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस. फर्स्टली व्हाट आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक है? एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला, ठीक है? एक होता है मेड्यूला जो कि इनर साइड होता है, और एक होता है कॉर्टेक्स, ठीक है? कॉर्टेक्स में भी तीन पार्ट्स होते हैं, और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड दे नेमली आर द इनर मोस्ट इज रेटिकुलरिस, उसके बाद आता है फेसिकुलेटा, एंड द लास्ट जोन इज जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है? तो जो जो रेटिकुलरिस होता है, जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स लाइक एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है? जो जोना फेसिकुलेटा होता है, वहां से रिलीज होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द कार्बोहाइड्रेट बैलेंस इन ब्लड और इन बॉडी ऑल्सो, यू कैन से दैट, ठीक है? और जो लास्ट होता है, जो आउटर मोस्ट होता है ग्लोना जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे रिलीज होते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स. मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? दीज रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आते हैं, दे आर नेमली कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ठीक है? ये दो मेन इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, और इनका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है? ये क्या करते हैं? दिस इंक्रीजेस जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, वो इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटियोलाइसिस, एंड इट इनहिबिट्स द सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स होते हैं उनसे ग्लूकोज का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? द नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया. तो एज वी हैव रेड दैट ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन अर्लियर इन द डिस्कशन, वी हैव सीन दैट द ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, एंड देयरफॉर इट इज द हाइपो
इट इज द हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन एंड नॉट हाइपो, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द लास्ट ऑप्शन इज इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स. तो जो इंसुलिन होता है एक्ट्स ऑन एडिपोसाइट्स, इट इज करेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम एडिपोसाइट इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द हेपेटोसाइट्स. ठीक है, एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट पर एक्ट करता है, इट डज नॉट एक्ट ऑन द पेनक्रियाटिक सेल्स. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है. सो देयर फोर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सेकेंड विच सेज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.